तो हेलो एवरीवन, वेलकम बैक टू आवर चैनल एस्थेटिक यादव एंड वेलकम बैक टू आवर न्यू एपिसोड। और आज के एपिसोड में हम करने वाले हैं अपनी बैक ट्रेन। सो अभी मैं क्या था, अभी मैं सो गया था और आज थोड़ा जल्दी उठा था क्योंकि मेरी पीटीएम सुबह आई हुई थी, तो उन्हें मैंने एक्सरसाइज करवाई। एक्सरसाइज करवाने के बाद अभी मैं अपनी 2 मील ले चुका था, फिर ऊपर आके थोड़ा लेटा तो बिल्कुल आग लग गई। क्योंकि क्या होता है ना, ऑफ सीजन में हम इतना डाइट अच्छी लेते हैं तो उसे नींद बहुत ज़्यादा आती है, तो मैं आके सो गया था। फिर मैं अभी 12 बजे उठा हूँ और मैंने अपनी मील ले ली, अब हो रहे हैं 12:30। और अभी जल्दी से मैं तैयार होता हूँ और तैयार होकर फिर चलते हैं जिम। और आज मैं आपको दिखाता हूँ कि कौन कौन सी मैं एक्सरसाइज करता हूँ बैक में, जो मेरी बैक की इतनी इम्प्रूवमेंट हुई है। और मैं आपको शॉर्ट्स भी डाल दूंगा आफ्टर बिफोर के, ताकि आपको पता लगे कि कितनी इम्प्रूवमेंट हुई है। सो गाइस, अब की कहानी कुछ ऐसी है कि मैं हो चुका हूँ तैयार और निकल चुका हूँ जिम के लिए और जल्दी से पहुँचते हैं जिम और करते हैं एक वर्कआउट। और आज है ऑल ब्लैक, शूज भी ब्लैक, टी शर्ट भी ब्लैक, लोअर भी ब्लैक और मेरा बैग भी ब्लैक। तो बैग को कर देंगे आज ब्लैक डे। और आज इतना गंदा हिट करने वाला हूँ ना मैं, बहुत दिन हो गए बैग अच्छे से हिट नहीं करी मैंने। और काफ़ी अच्छा लगता है कि अब धीरे धीरे सब्सक्राइबर गेन हो रहे हैं, तो अपनी यूट्यूब फैमिली भी बढ़ रही है। 714 हो चुकी है, कहाँ एक भी नहीं था। और 714 पे भी मैं खुश हूँ क्योंकि मेरे को ओवरनाइट सक्सेस नहीं चाहिए, मेहनत कर रहा हूँ, देखते हैं कब तक सफलता मिलती है। और काफ़ी अच्छा लगता है जब लोग प्रेस करते हैं आपके काम को, आपकी मेहनत को। अभी चलते हैं अपने जिम और करते हैं वर्कआउट स्टार्ट। सो आ चुके हैं अपने जिम और आज है अपना बैक डे और हमने पहना है ऑल ब्लैक। और आज बहुत दिनों बाद बैक हिट करेंगे और काफ़ी अच्छी बैक हिट करने का सोचा, बाकी देखते हैं कितना आज वेट मारते हैं। और अभी पहले मैं करता हूँ अपनी मोबिलिटी की एक्सरसाइज, वो आपको दिखाता हूँ। Thank you.
यहाँ हो चुकी है हमारी एक्सरसाइज ख़त्म, चार एक्सरसाइज हम कर चुके हैं और पांचवी हमारी है स्टिफ आर्म पुल ओवर। और अच्छा एक बात और कहनी थी मुझे कि हमें कभी भी एक्सरसाइज करते हुए अपनी ब्रीदिंग होल्ड नहीं करनी चाहिए, कि लोग करते हैं ना ब्रीदिंग होल्ड करते हैं फिर एक्सरसाइज करते हैं, तो उससे ना आप कभी भी हैवी वेट में ज़्यादा रैप नहीं निकाल पाओगे। अगर आपको कभी भी हैवी वेट में ज़्यादा रैप निकालने हैं तो आपको ब्रीदिंग लेते रहने चाहिए, कभी भी उसे रोकना नहीं चाहिए, क्योंकि रोकोगे तो अनकंफर्टेबल फील करोगे और अनकंफर्टेबल फील करोगे तो ज़्यादा रैप नहीं मार पाओगे कभी भी हैवी वेट पे। तो चलो करते हैं अपनी फिफ्थ एक्सरसाइज स्टार्ट। तो आज का वर्कआउट होता है यहीं ख़त्म, और इन पांच एक्सरसाइज से मेरे को कितनी इम्प्रूवमेंट आई है मेरी बैक में वो मैं आपको दिखाता हूँ। ये रही पिक मेरी, आप इन पिक में देख के समझ ही सकते हैं कि कितना मेरा फ्रेम वाइड हुआ है इस ऑफ सीजन में। और आई होप आपको ये वीडियो अच्छी लगी हो, और अब मिलते हैं नेक्स्ट एपिसोड में। और जिस जिसने चैनल सब्सक्राइब नहीं करा है प्लीज़ चैनल को सब्सक्राइब कर दो, हिट द शेयर बटन और शेयर करो यार, फैलाओ इस वीडियो को ताकि मेरे को और मोटिवेशन मिले और अच्छी अच्छी वीडियोस आपके लिए लाने की। सो चलिए मिलते हैं नेक्स्ट वीडियो में, तब तक स्टे ट्यून्ड स्टे हेल्दी।